सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए इस घंटी को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप चार्टर्ड स्टडी करो इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे इमेजेस के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, आपने कभी सुना ही होगा PDF है, JPG, JPEG, बिटमैप, PSD, PNG, GIF, ऐसे अलग अलग से फॉर्मेट होते हैं। लेकिन ऑनलाइन के लिए हमें दो ही चीजें इम्पोर्टेंट है, एक तो PDF और दूसरी JPG फॉर्मेट। बहुत सारे वेबसाइट ऐसे होते हैं, ये दोनों ही फॉर्मेट, उस पे अगर आपको कुछ इमेजेस अपलोड करवानी है तो उसके लिए दोनों ही फॉर्मेट अलाउड रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स होती है, जैसे मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट की RTE की वेबसाइट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, या student.maharashtra.gov.in ये वेबसाइट है, इसमें PDF का अपलोड अलाउ नहीं है, तो ओनली JPG और JPEG फॉर्मेट ही उसपे अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें अपलोड करने के लिए आपके पास अगर डेटा PDF फॉर्मेट में अगर है तो उसको कन्वर्ट कैसे करें? जैसे मान लो आप फोटोशॉप से या अलग किसी सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट करने जाओ तो आपका रिजोल्यूशन कम हो सकता है, और रिजोल्यूशन कम होने के कारण आपके बेहतरीन क्वालिटी पे भी असर पड़ सकता है। तो आज हम देखेंगे कि एक ऐसा एंड्रॉइड ऐप जो छोटा सा एंड्रॉइड ऐप है लेकिन कोई रिजोल्यूशन कम नहीं होगा या क्वालिटी कम नहीं होगी, बिल्कुल आसान है और कुछ ही विदिन सेकंड में, चाहे एक इमेज हो या 50 इमेज हो, ये इमेज PDF टू JPG में कन्वर्ट करता है। तो ये कैसे कन्वर्ट करता है, ये कैसे काम करेगा, इसके लिए देखेंगे आज का वीडियो। तो कहीं मत जाएगा, वीडियो पूरा देखते रहिए, स्टडी करो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर में टाइप करना है आपको X2IMG। X2IMG टाइप करके यहाँ से आपको सर्च करना है, तो पहले ही आपको PDF टू JPG कन्वर्ट यहाँ पे शो होगा। तो मैंने ये इंस्टॉल किया है, इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल और ओपन आ रहे हैं। आपको यहाँ पे मोर इन्फो और इंस्टॉल करके आएगा, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे जो कुछ एड्स प्ले होगी उसको हमें क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे जो प्लस आइकॉन दिख रहा है, ये प्लस आइकॉन पे आपको टच करना है। प्लस आइकॉन पे टच करके जो PDF फॉर्मेट है वो कहाँ पे है से उसको सर्च करना है। जैसे यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज के अंदर मैं जाता हूँ डाउनलोड, और डाउनलोड पे जाके मैं GOM GR यानी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो GR है उसको मैं PDF जो फाइल है उसको मैं JPG में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जो पहला वाला जो GR है उसे ही हम लेंगे, जो नंबर है वो नंबर के आगे जो .PDF है वो .PDF मतलब वो फॉर्मेट होता है। जैसे पिक्चर्स पे .JPG, .PNG, .PDF, .PSD ऐसा फॉर्मेट होता है। जैसे मान लो अगर कोई फाइल अगर वर्ड की है तो .DOC रहता है, एक्सेल की कोई फाइल है तो उसको .XLS रहता है, ऐसा ये डॉट के आगे उस फाइल का फॉर्मेट रहता है। तो ये जो PDF फॉर्मेट है, इस PDF फॉर्मेट पे मैं टच करता हूँ, और टच करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कन्वर्ट टू इमेज। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो GR है वो PDF का JPG में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे देखिए विद इन सेकेंड के अंदर ये 3 पेज वाला GR जो PDF फॉर्मेट में था वो अब JPG फॉर्मेट में आ गया है। यहाँ पे देखो JPG 1, 2 और 3 ये फाइल यहाँ पे है। तो आप इसे शेयर कर सकते हैं या सेव भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फोटोज़ पे शेयर कर सकते हैं, मेल पे शेयर कर सकते हैं, या गूगल ड्राइव पे इसे सेव भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर ये फाइल अभी व्हाट्सएप पे आप जैसे भेजनी है तो यहाँ पे मैं जाके यहाँ से व्हाट्सएप पे अगर ये फाइल मैं भेजता हूँ तो ये डायरेक्टली इमेजेस चली जाएगी व्हाट्सएप,
यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए यहाँ पे जो फाइल है ये JPG फाइल यहाँ पे है। तो ऐसे ही दोस्तों आप भी विद इन सेकेंड के अंदर कितना भी बड़ा PDF फॉर्मेट हो तो उसको JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ले सकते हैं। विद इन सेकेंड के अंदर कोई रिजोल्यूशन नहीं चेंज होगा या कोई क्वालिटी पे भी कुछ असर नहीं पड़ेगा, सेम क्वालिटी और सेम रिजोल्यूशन रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।